वैसे तो गाइस मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता बीच में आके, तो गाइस वो मैं एक मतलब अल्ट्रा जेंट क्रीपर फॉर्म अभी जो बनाया था, ये वीडियो अभी जो अपलोड कर रहा हूँ मैं, अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो वो वीडियो में गाइस मैंने एक मिस्टेक, उससे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था पर वो फेल्ड हो गया और मैंने बाय मिस्टेकली गैलरी से वो वीडियो को ये डिलीट कर दिया, तो इसलिए मतलब जा नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी गाइस। अब आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो यार गाइस अब आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग ने क्रीपर फार्म के लिए एक रेडी किया था ये ऐसा मॉब ट्रैकिंग एरिया, मतलब मॉब ट्रैकिंग एरिया। एक मिनट नीचे घुस, ये जो मॉब ट्रैकिंग एरिया में मैंने एक्सपेक्ट कर दी थी तो वही मतलब समझाने आया था मैं। तो देखिए अगर कोई मिस्टेक क्या थी ना, तो मैंने कुछ को मैग्मा ब्लॉक के लिए और अपने तो ये जो है ना, फिर ये मॉब ट्रैपिंग एरिया यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फेंस लगा दिया ताकि मतलब वो पानी वहाँ तक ना आए, और मैंने यहाँ पे ऐसा गैप बना लिया थोड़ा सा ताकि पानी अंदर चले और फेंस लगा के मैंने खोल लिया जिससे मॉब अंदर जा सके। फिर वो अभी मतलब मर जाएंगे तो फिर सामान कहाँ से मिलेगा, गन पाउडर कहाँ से मिलेगा, तो मारना भी आपको गन पाउडर के पार नहीं हो सकता, तो इसमें भी एक जगह है वो यहाँ पे बहुत कुछ लगता है। और उसके बाद इसके अंदर कुछ मॉब्स को पता कि मैंने मतलब एक तरफ अट्रैक्ट किया दो स्पाइडर और एक जॉम्बी को, और यहाँ तक मतलब ये ट्रैप के अंदर डाल दिया और वो ऑटोमेटिकली मरने मतलब बीच में पहुँचे आपके सेंटर पे और मरने लगते हैं। तो ये था अभी ये पावर देखिए, पावर में कहीं नेक्स्ट काम करते थे। चलो अभी मुझे क्या करना है देखो, अब ये एक स्कार्फ फोल्डिंग करके कुछ तो रहता है, मुझे वो बनाना है। मैंने आज तक स्कार्फ फोल्डिंग कभी यूज़ नहीं किया है, अभी देखते कैसे बनता है। मैं यूज किया है पर ये इसलिए बैम्बू तो है ही नहीं पास, अब क्या करें। आप एक मिनट मेरे पास वाटर बकेट, यार मैंने कहीं पे तो वाटर बकेट बाय मिस्टेक ही ड्रॉप कर दिया था। हाँ तो अभी ये वाटर बकेट भी मैंने जो तीन है तो अब ये वाटर बकेट से मैंने अरे कार फेंक दिया, तो अब आगे का काम जो है इसको हम लोग को रेस्ट में बैठने के लिए हम लोग को यहाँ पे
सेंटर ब्लॉक तो नहीं ये है इसमें मैंने यहाँ पे ऐसा ऐसा करके ग्रास ब्लॉक लगा रखा है। इतने जल्दी मेरे हार्ट फुल भी हो गए। अभी गाइस ना मेन चीज़ चाहिए जो आपको शायद से होनी चाहिए, प्लीज होनी चाहिए। वो चीज है कि नहीं अभी रेडस्टोन इधर तीन स्टोन एक चाहिए। अगर मेरे पास स्टोन फार्म होता है ना तो ये सब काम करने के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ता। ऐसे दूर नहीं है ओ आयरन, भाई आयरन के लिए मैं कितना पागल होता था। अभी और आयरन नहीं मिल रहा तो अब मैं मेरी पिकैक्स, अरे ये क्यों कर अभी पिकैक्स को रिपेयर करते हैं। सिर्फ टच और एफिशिएंसी वन लगा, एफिशिएंसी वन का मतलब मुझे नहीं मालूम क्या अच्छा काम करता है, और सिर्फ टच काफ़ी काम का है तो फिर मतलब मैं वैसे ही एक रेड स्टोन टॉर्च 48 है मैंने घूम के रखा था, इसलिए मैं कह रहा था कि ये काश रेड स्टोन है क्योंकि इतने बना दिए थे। तो भाई अब क्या बना चाहिए, चीनी बना क्यों यार, स्टोन की कमी है गाइस। मैं फट से स्टोन लेके आता हूँ यार। स्टोन लाने से पहले ना मैंने एक चीज किसी बड़ी जगह बना ली थी स्टोन ढूंढने के लिए। Good.
इसका काम करना। इतना आ गया स्टोन है कहाँ पे? और क्या सीखूं? वो जगह थी तो कलेक्ट नहीं करना मैंने तो अच्छा वो मेरी पिकैक्स में सिल्क टच है। भाई ये तो वो केस है जो मैं ऑलरेडी माइंड कर चुका हूँ। याद है ना मैं पहले बहुत करता था टावर बना के जाता था। फट से गाइस मैं और स्टोन इकट्ठा कर लेता। तो यार गाइस बहुत सारे स्टोन आए थे मुझे नहीं लगता आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी क्योंकि मैंने मतलब ऐसा रखा था। तो मैं बता देता हूँ मैंने वो क्रीपर फार्म के मिस्टेक सॉल्व किया और मैंने वो सब ठीक कर दिया। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं स्टोन इकट्ठा करने आया हूँ रेड स्टोन रिपीटर्स बनाने। अच्छा रेडस्टोन टॉर्च भी ले रहा है। बस भाई 19 ही काफ़ी है। वही मैं नोटिस करूँ कि मेरे रेडस्टोन टॉर्च इतने कम कहाँ से हो गए यार। ये कौन सा ले रहा है भूल गया मैं। चलो चलते हैं। वही है तो मेरे घर के बाजू में ही है। अरे शिट 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 रुक जा रुक जा थोड़ा बकेट को हाथ में ले लो। अब अरे सो क्या है मैंने मॉब ट्रैपिंग के लिए बनाया खुद के ट्रैप के लिए। अरे यार ओ ये लास्ट वाले में नहीं लगा लिया। ये अच्छा है ये फिर अभी देखो अब जाके ना सबसे रिस्क की काम हो सकते हैं कितना भी रिस्क नहीं होता। अभी ना मुझे बस पावर देना है और ये टॉर्च को फट से निकाल लेना है। पावर गई और यही पे फंस गई यार क्योंकि मैंने ये उल्टा लगाया इससे। अभी ऐसे यार बाहर निकलो। और मैंने कुछ तो चीज़ ड्रॉप की है और वो है मेरी पिकैक्स। और अब वापस वापस जाओ उस जगह पे और लेके आओ पिकैक्स। चलो मैं फट से लेके आता हूँ। तो यार ये काम ना लिटरली बहुत हार्ड है। अभी गाइस अभी तो सिर्फ ये छोटू सा चिरपुट सा काम हुआ है।
एंड गाइस अच्छा हाँ इन्हें ऐसे लॉन्च करना था, वही मैं सोच यार हाँ चल रहा है ना, इन्हें ऐसे करना था वही मैं सोच यार चल क्यों नहीं रहा। पहली बात यहाँ पर रेड स्टोन भी नहीं लगा, इतनी ज़्यादा मिस्टेक किया। कितने मैसेज है अभी, मैंने ऐसे हटा के उल्टा और लगाना पड़ेगा जैसा पहले लगा था वैसा ही था। ओके चल पड़ा, अरे इधर तक की सिग्नल क्यों मिल रहा है, मेरी क्या उल्टा लगाना है यार, मेरी गैस लिटरली खत्म होने आ गई है। यार बहुत गंदी हालत में यार पावर आ क्यों नहीं रहा गाइस, मैं चेक करता हूँ मैंने क्या मिस्टेक डाली है। इधर तक आता है फिर एक मिनट में ऐसे ही तोड़ सकता हूँ, व्हाट पिकैक्स के यूज कर रहा था ओके तो ये देखो ऐसे चल पड़ा ये सर्कल पे, तो गाइस फाइनली ये काम भी हो गया, अब चलते हैं। अब गाइस एक और एक मेन काम आता है, वो है कि इन्हें पावर तो दे दिया, अब इनके ऊपर मुझे लगाना है डिस्पेंसर, तो अभी डिस्पेंसर का सिम लगा गया, वो मुझे बनाना पड़ेगा। और ऑब्जर्वर भी लगेगा, पर लकीली जब मैं शुगर किन फॉर्म बना रहा था तो ऑब्जर्वर मेरे पास पहले से ही था, मतलब 5 ऑब्जर्वर बच गए और 5 ऑब्जर्वर की ही ज़रूरत है, एक तो 5 ऑब्जर्वर ही है, 4 ऑब्जर्वर है, कोई नहीं कर देंगे। अभी डिस्पेंसर की रेसिपी ठीक है, ओके कोबल स्टोन एक रेड स्टोन और वो बस सिंपल इजी। मैं कह रहा हूँ इसे रख देते हैं, इसे ले लेते हैं और अभी वो चलो यार मैं जाके अपने एक्सपी फॉर्म से वो इकट्ठा कर लेता हूँ। तो चलो यार गाइस मैंने 1 2 3 4 बोज और ये 5 था, तो 5 बोज ले लिए, तो अब गाइस अपना काम होगा, अभी फट से चलते हैं ऊपर। मैं सोच रहा हूँ कि सर
एक ऐसी जगह बना दूँ जहाँ पे मतलब हर जगह ना क्राफ्टिंग टेबल रख देने का, तो ताकि मतलब कभी भी क्राफ्ट करना हो तो फट से मिल जाए। अरे यार शाम भी हो रही है, फट से सो जाते हैं। और अपने पिकैक्स को भी रिपेयर कर लेते हैं। चलो क्राफ्टिंग टेबल है। व्हाट एक मिनट, भाई ऐसा क्या हो गया? अब रुको, पिकैक्स को रिपेयर करने के लिए मुझे नेदरराइट इंगट जिसका तो भंडार है यार आपके पास, मतलब मैं और इकट्ठा कर लूँगा। अब तो क्रीपर फार्म बनने वाला है यार। अरे इतना मैं तो फोर ही लेवल का हूँ, कुछ मॉब यार इन्हें मार लेते थे। अरे एक्सपी दो, फाइव लेवल हो भी गया। अरे यार 5%, बाप रे। तो गाइस मैं फट से एक चार्जर लेके आता हूँ, ठीक है? तो गाइस तो चलो यार मेरा होने वाला है। मैंने अपने फोन को चार्जिंग कर दिया है अभी यार, चलो फट से नाम है। तो अभी हमारा क्या था काम, हम डिस्पेंसर बनाने आए थे ना। अच्छा हाँ, उसे रिपेयर भी करना है, मैं तो भूल ही गया। अरे बाप रे, दो ले लिए, बाप रे। कोई नहीं भी, हमारे पास बहुत है। क्लर्क कैक्स भी रिपेयर हो गई। ऑब्जर्वर सबसे ऊपर वाली चेस्ट में ऑब्जर्वर टाइप का सामान रहेगा, याद रखना। अभी गाइस शाम ये दोपहर हो गई है और ये देखो ये सर्कल में चल रहा है। अरे शिट वाटर बकेट यार, बार बार भूल जाता हूँ। ऐसे इसी चीज़ के लिए स्काफोल्डिंग लगवा रहे थे लोग। अभी गाइस ये लिया, चलो ऊपर चलो। अभी गाइस देखो ये जो बीच का है ये डाला है ना हमने, इसके बीच में हम लोग इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे डिस्पेंस, इसके ऊपर ना कैसे भी करके ट्राई मारना है डिस्पेंसर डालने का। फट से ट्राई मारता रहे तो ये बहुत हार्ड रहता है गाइस। तो गाइस जैसे तैसे ये किया था। अभी रुको काम खत्म नहीं हुआ, अभी बस लेना ही है। तो कैसे लेना कैसे, अब मैं वाटर बकेट से ऊपर जाता हूँ। और गाइस अब मुझे क्या करना है, ये मैं अभी भूल गया। एक ऐसे एक दो एक तीसरा तीन चार पाँच छः और सात, ठीक है। सब हमें उस साइड भी करना है, तो मैं फट से कर लेता हूँ हर साइड एक्चुअली करना। तो गाइस मैं आपको बता दूँ मतलब ये सब करने से पहले कैसा हमारा वो करना है। वाटर बकेट डाली, अब देखो इसके अंदर से पानी निकलता है गाइस।
फार्म करते तो देखो ऐसा हर एक सेकंड में ये निकलेगा और मॉब्स जैसे स्पॉन होंगे कभी ये पानी के यहाँ पे तो कभी ऐसे तो ऐसे। तो गाइस ऐसा मैंने हर जगह कर लिया। अब गाइस क्या करना है देखो यहाँ पे, अरे इस तरह से अब हम लोग को क्या करना है ये थोड़ा सा हार्ड काम है ताकि एक, अरे यार नीचे की लगा दिया देखो ये इसलिए इधर इसी के पास ये कर नहीं गिर रहे क्या नीचे रहा भाई इधर मत जाइए इधर मत जाइए मैं फट से डे करके आता हूँ भाई। तो गाइस हो गया और मैंने ये वेदर वेदर को क्लियर कर दिया ताकि दिमाग खराब ना हो तो हाँ चलो अभी मेरा कुछ यहाँ पे गिरा था हाँ देखो गाइस इसलिए ये काफी हार्ड काम है। एक बार आप लोग मतलब एक बार आप लोग समझ गए ना कि क्या कैसे करना है तो मैं मतलब ये वीडियो पॉज करके चारों लेयर्स बना दूंगा। चलो उधर लग गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार नीचे क्यों गिर रहा है वो बाद में हटा दूंगा। तो गाइस ऐसे मुझे हर साइड करना है और फिर ये इधर ना ऐसे फिलअप मार देना मुझे ये मुझे हर साइड मारना पड़ेगा भाई तो मैं सबसे कर लेता हूँ। तो यार गाइस एक लेयर करने में हालत खराब थी तो यार हो गया ये एक पूरा लेयर। अब देखो ये एक पूरा लेयर कैसा वर्क होगा डाला अब इसका पानी निकला और ये देखो ये यहाँ तक जा रहा है। और गाइस मैंने एक मिस्टेक पकड़ी है यहाँ का एक ज़्यादा हो गया ये अरे एक लोग ना ज़्यादा हो गया निकाल लेते हैं ये फट से हटा देता हूँ और ऊपर के लेयर सब कैसे करने देखते इसके ऊपर मुझे एक ऑब्जर्वर रखना है। अच्छा सॉरी एक प्लैंक एक प्लैंक और एक ऑब्जर्वर और डिस्पेंसर मार देना है और फिर वो जो ऑब्जर्वर था ना
अब मैं इतना सारा प्लैंक्स क्यों लाया हूँ देखो, इसी काम से। अरे कहाँ गया, मैंने एक्स ही नहीं लाया। ऐसा लगना चाहिए और इधर से भी सेम टू सेम वैसे करना है, तो फट से करना चाहिए। तो ये लोग गाइस हमारा सेकंड ईयर भी कंप्लीट, फर्स्ट में ये सेकंड ईयर। तो अब एक और एक फट से मैं एक बकेट बना के लाता हूँ, क्यों मैं बताता हूँ। तो यार मैं गाइस लेके आती हूँ दोनों वाटर बकेट, दो वाटर बकेट। अच्छा चलते, अरे ऐसा ऊपर ले रहा था तो एक के अंदर वाटर कुछ निकाल लेते हैं और वापस। अभी हम लोग स्टोन ब्रिक का बनाएंगे, ऐसे मतलब डिजाइन टाइप का। तो वापस पॉज कर रहा है। यार गाइस फाइनली हो गया और मैंने चार लेयर्स का बना रही हो गया। मुझे लगा डिस्पेंसर और ऑब्जर्वर कम पड़ेंगे, तीन लेयर बना लिया और पता चला ये तो ज़्यादा पड़ गया। अभी टाइम दे कर देते हैं और ये वेदर भी हर टाइम क्रेजी होता है यार। तो गाइस अब इसके अंदर भी मुझे वाटर बकेट डालना है, मैंने हर एक के अंदर डाल दिया है। देखो इससे निकला वो प्लान कर लेते, अभी देखो इन नीचे वाला भी देख सकते हो और इसका भी अगर अभी देख सकते हो तो। तो अब हम लोग का मेन काम स्टार्ट होता है, इधर एक दो। हाँ एक मिनट, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे क्या करना है अब गाइस, देखो एक मिनट क्या है। हाँ स्लैब्स बना लेना, जितने स्लैब्स बन सकते हो उतना अच्छा है। भाई एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स स्टैक्स बन गए भाई, फिर भी प्लांट्स बच रहे हैं। पर डोंट वरी, देखो भाई दूर से क्या मस्त लग रहा है हमारा क्रीपर फार्म। अभी ऊपर कैसे गया है, ऊपर जाने की तैयारी कर लेते हैं गाइस। एक्चुअली ना मैं एक तो देखा आप तो ऐसे लाल कलर की लाइट दिखती है, तो मैं एक्चुअली ना ये ऊपर का तोड़ रहा था, तभी मेरे साथ एक ग्लिच हो गया। तो ग्लिच हटाने के लिए मुझे पूरा तोड़ना पड़ता है। तब
मतलब पूरा ये पूरा ये पूरा एरिया नहीं इसका डिस्पेंसर मुझे खोलना पड़ेगा बस। और वो डिस्पेंसर कहाँ गया मुझे नहीं मालूम, पर ऑब्जर्वर की मिल रहा है डिस्पेंसर। चलो बस ये हो गया काम। आई मीन बस होने है एक दो। अरे यार ऐसे ना मुझे करते जाने। वन ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अरे नाइन। थोड़ा सा लंबा बना रहा हूँ यहाँ तक इधर तक ले ताकि पूरा अंधेरा रहे। मुझे हर जगह से ऐसे ही नाइन नाइन करना तो फट से कर लेता हूँ। तो देखो यार हो गया। अब मुझे वैसे ही जैसे मैंने नीचे किया था वैसे ही कवर मार्क करना, पर हम इसे ये इन स्लैब से नहीं मारेंगे, इनके स्लैब से मारेंगे। तो क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। क्योंकि इनके स्लैब थोड़े से मतलब अच्छे लगते हैं। तो गाइस मुझे अब जाके रियलाइज हुआ मैंने प्लांट्स के लिए कुछ सारे ही स्लैब्स बना दिए। तो मैंने अभी सोचा है कि क्यों ना इससे अच्छा मैं ये उसे फॉरनेस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और तुम ना मुझे अरे मेडल का ब्लॉक मैं हो सकता ही अभी ऐसे फट से हर जगह का ये कंप्लीट करके जैसे ये नीचे लगाया ना तो फट से करता है। तो गाइस मेरा फाइनली ऊपर का भी लेयर हो चुका है। तो बाद में वहाँ पर इतने सारे मॉब्स और मेरा ये ऊपर का लेयर हो चुका है गाइस फाइनली। अब मैंने ये क्यों बनाया देखो, ताकि ये पूरा कवर हो सके जो मैंने बनाया। देखो ये सब स्पाइडर डिफेंस ऊपर से यार गाइस कवर मार देते हैं। ये ठीक है यार, कितनी बारिश होती है क्या है क्या ये वो। अरे इधर आ जा
मुझे मार दिया। यार गाइस जो ऊपर क्रीपर नजर आ रहा है, हाँ गाइस ये तो वहाँ पे क्रीपर है, आप देख सकते हैं। अभी जैसे वहाँ पे पानी आ रहा है, अच्छा वहाँ पे तो पानी लगाने का सिस्टम नहीं लगा है, तो अच्छे लगा देते हैं उस क्रीपर से बच के। देखो वहाँ पे एक मर रहा है, वो तो वही जिसको मुझे मारा, तो फट से वो क्रीपर के लिए भी इंतजाम कर रहे थे, वो वाटर पिक खाने में। तो यार गाइस हाँ अभी वो देखो वो क्रीपर नीचे भरा पानी के ऊपर से, मैंने पानी का बच के डाल दिया और बचे हुए भी मर गए। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रैप डोर्स लगा दूँगा मेन जगह में, तो मतलब कोई सिर्फ क्रीपर फोन आएंगे, अभी तो और बहुत होंगे। अभी गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फार्म, ये फार्म रेडी है, पर ये एक के फार्म है ना, तो एक के बाद में इसलिए हमें तो थोड़ा सा ऊपर जाना है। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, एक्चुअली बीच का एक कोऑर्डिनेट देखना है। जब तक मैं 124 में नहीं आ जाता तब तक मुझे ये ब्लॉक मारते रहना है। चलो 125 में आ गए। अभी यहाँ पे अरे यार भाई मेरे ब्लॉक्स ही ख़त्म हो गए, वाह ये लास्ट ब्लॉक एंड ब्लॉक्स हो वो। अभी ये दूसरा स्टैक स्टैक क्या ये भी ख़त्म हो रहा है। यार ये जो बीच का इधर का है ना, मैं वो ये तोड़ना है मुझे बस। क्यों? ताकि मैं ऊपर आ सकूं। भाई नीचे गिरते गिरते बचा, वो भाई इतनी सारी सैंड उस तरफ है, मैं पागलों की तरह उतर जाता था बस टाइम यार डायरेक्टली कुछ। अरे यार मुझे लगा पानी में जा रहा है, कोई नहीं यार वैसे भी एक्सपीरियंस है। यार गाइस फाइनली हमारा अल्ट्रा जाय इनको फार्म रेडी है जो सराउंड में हुआ है। आप छोटी मोटी चीज़ें और क्रिएट करने की जो मतलब बहुत कम हेल्प लगती है जिसमें, फॉर एग्जाम्पल क्या कुछ भी तो क्रिएट करने में कि आपकी मतलब कुछ भी क्रिएट करने में। अच्छा हाँ पर चीज चीज की ना ये बार बार डे करने के लिए वो भी है, तो वो एक तो स्पॉट पे जा। देखो यार चार गन पाउडर ऐसे हो गया, तो सोच लो कि अभी ये चार मिनट ही हुए, चार या पाँच मिनट था, पाँच मिनट ही हुए ये क्रीपर फार्म को बनाया और इतना ज़्यादा चार गन पाउडर इतना ज़्यादा भी नहीं। पर अभी कल जो ए एफ के बैठ जाता है तो उसके मैं ऑर्डर बन देता हूँ। इतने सारे स्नैप्स क्यों बना रहे हैं? सिर्फ 12
भाई जितने से तो उतने मतलब मैं और पेड़ पेड़ खेलता हूँ। तो यार गाइस मैं ये 64 बना रही हूँ, जिससे जिससे बना के मैंने बहुत तोड़ लेती हूँ, और मैंने एक्स से ही नहीं तोड़े, मैं इतना अच्छा एक्स है मैंने उसके जगह ये क्या यूज़ किया, ये पिकैक्स फिर बोले जो, अरे ये तो वो यूज़ करना चाहिए, क्या कहते हैं, मैं इससे अच्छा तो हाथ से ही तोड़ ली, फिर जाकर रिलाइज हुआ अरे भाई मुझे तो इतना अच्छा पिकैक्स है वो क्यों नहीं, एक्स है वो क्यों नहीं यूज़ कर रहा, अभी जाके मुझे अभी चल के एफ के तो ऐसे लैडर लगाते लगाते मैं ऊपर चला जाता हूँ। भाई मैं वहां से कूदने से अच्छे यहाँ पे कूद लेता हूँ यार। ओ भाई रेन चली गई, खुशियाँ बना। अभी गाइस यहाँ पे ना मुझे एटलीस्ट 20 या मैं 10-15 मिनट या ये एटलीस्ट 1 घंटा 45 मिनट्स तक बैठ जाते हैं। चलो ये मतलब वहाँ पे एफ के लिए फिर देखते हैं कितना सामान इकट्ठा होता है। भाई इतनी ऊंचाई ना, बचा 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 गंदा बचा, अरे यार। तो गाइस मैं फट से लैडर्स लगा लेता हूँ। तो गाइस यार लैडर्स भी ख़त्म और मेरा वो भी ख़त्म हो गया, मतलब अब मतलब रात होने वाली है, तो मतलब मैं थोड़ी देर एफ पे बैठ जाता हूँ, देखते कितना होता है कंफर्म तो कलेक्ट। अरे ऊपर का नहीं, इसलिए कवर कर लिया ताकि फैंटम परेशान ना करे, तभी मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। और गाइस मैं आधा घंटा वेट कर चुका हूँ और देखते हैं अब कितना हुआ है। और फिर ऐसे ही मतलब एएफके में बैठे बैठे ये 10 मिनट के लिए मैं बहुत बोर हो गया था, तो फिर मतलब ये थोड़ा सा ऐसे इसे ऐसे छोटे चलाया को, मतलब ये भी चला गया था, ये आप देख सकते हो ये अभी सब स्टार्ट हुआ है अभी। ओ भाई इतना सारा, और ये पहले से रॉटन फ्लैश है इसे बाद में डाल देंगे। भाई इतना सारा, 1 2 3 4 5 नहीं 4 स्टैक्स और 1 4 रन। तो भाई 4 स्टैक्स ऑफ गन पाउडर आधे घंटे वेट करने से, एक्चुअली आधा घंटा भी नहीं 40 मिनट्स वेट करने से, अमेजिंग गुड यार, मस्त वो करता है ये फॉर्म। और रात को तो भाई और भी मस्त वो करता होगा। और यहाँ पे स्केलेटन एक ही हिट में मर गया, अगर तो गाइस यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।